जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन संबंधी प्रश्न, मतलब ट्रेन वाला जो टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है पार्ट वन है ट्रेन संबंधी प्रश्नों का, और पार्ट टू में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दो पार्ट में हम ट्रेन को पढ़ेंगे, ठीक। तो आज ये वाली जो क्लास है ये एकदम बेसिक क्लास है और एमपी पुलिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी पुलिस में ट्रेन से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या धीरे धीरे क्या होगी, प्रश्नों की बढ़ती जाएगी, तो ध्यान रखें इसको सही तरीके से बस समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे दे रहा हूं, चार पॉइंट यहां पर बता रहा हूं जिसके बेस पे आप पूरा टॉपिक हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि समझ लिया तो, यदि इन चार पॉइंट को आपको नहीं समझ में आया आपको, या फिर इसको आपने नहीं समझा, तो फिर ये वाला जो टॉपिक है ये आपको नहीं जमेगा, ठीक है। आपको इसके क्वेश्चन सही तरीके से नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान रखें यहां पर शुरुआत के जो 5 से 7 मिनट है उसको अच्छी तरीके से फोकस कर लें, ठीक। चलिए, और यहां पर जो मैंने लिखे हैं ये पहाड़े लिखे हैं, ये आपको कोई याद करवाने के लिए नहीं लिखा है, इसके थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई डाटा है जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, या फिर दूसरी कोई स्पीड है मीटर प्रति सेकेंड में दी हुई है, तो उसको केवल देख के आप कैसे बदल सकते हैं वो इसको इसके थ्रू यहां पर सीखेंगे, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करें यहां पर ट्रेन संबंधी प्रश्न में। सबसे पहला वाला और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है ये है, और वो आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे बेसिक है, ठीक है। सबसे पहला आप सभी को ये पता है कि यहां पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। जब भी हम कहीं मान लो से किसी की दूरी निकालना है, या फिर टाइम निकालना है, या फिर चाल निकालना है, तो यहां पर इस सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां पर इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय, ठीक है। ये है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये बेसिक सूत्र है जो हम 7वीं 8वीं में 5वीं में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से पूरा प्रोटोपिक हल होने वाला है, और इसमें जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा वो कौन से हैं, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है। कई लोग इसमें गलती करते हैं जिसकी वजह से सरल प्रश्न भी गलत कराते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पे ये है कि आपको यहां पे स्पीड, जो स्पीड है ये वाली चाल है, ये दो तरीके से आपको देंगे, कैसे, या तो आपको देंगे किलोमीटर पर आवर, हिंदी में लिख देता हूं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसमें दिया होगा, या फिर आपको दिया होगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आपको स्पीड मिलती है, मतलब चाल मिलती है। किसी भी बस की, ट्रक की, ट्रेन की जो भी चाल आती है वो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में काउंट करते हैं, या फिर मीटर प्रति सेकेंड में काउंट करते हैं, राइट। अब इसके बाद में फिर यहां पर देख लें तो यहां पे करना क्या है, यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में आपको चेंज करना है, बदलना है, क्योंकि हर प्रश्न में आपको यह करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में आपको जाना है, बदलना है, तो आपको क्या करना है, 5/18 का स्पीड में गुणा कर देना है, 5/18 का स्पीड में गुणा कर देंगे तो वो जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा से बदलकर मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगी, राइट। अब यहां पे इसका उदाहरण देख लें, जैसे कि आपको यहां पे दिया हुआ है कोई ट्रेन है, उस ट्रेन की स्पीड आपको दी है कितनी, तो यहां पर 24 या फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर दी हुई है। अब आपको सपोज यहां पर जरूरत पड़ गई कि इसको चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो सिंपल फंडा है कि इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, तो यहां पे बदल जाएगा किसमें, ये मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। तो ये 36 है, इसमें 5/18 कर देंगे, तो अब यहां पर ये किसमें बनेगा, मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा, मतलब इसमें आ गया ये, ठीक है। 18 × 36 होगा, अब 5 × कितना होगा, 10 होगा, तो यहां पे 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मीटर पर सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड है, राइट। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है, और यहां पे यदि आपको इसको वापस इसमें चेंज करके लाना है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, राइट। यहां पे यदि हमें मीटर प्रति सेकेंड से वापस कोई भी चीज, कोई भी स्पीड ज्ञात करना है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसका इसका उल्टा कर देना है, और यहां पे कर देना है 18/5, क्या करना है, 18/5,
सिंपल फंडा है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए जो भी स्पीड आपको दी चल दी है उसमें 5/18 का गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आने के लिए इसका उल्टा मतलब 18/5 का हम गुणा कर देंगे किसमें, स्पीड में। जैसे यहाँ पे इससे इसमें गए हम यहाँ पे तो 5/18 किया मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन अब मीटर प्रति सेकंड से इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। ठीक है, ये 10 है तो इस 10 को क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 18/5 कर देंगे। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 18 × 2 कितना हो जाएगा 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया वापस। ठीक, तो इस तरीके से आपको चेंज करते आना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पर देखें, यहां पर ये वाला मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको इस तरीके से लिखा पढ़ी करने की जरूरत ना पड़े, और यहां पे आपको दिखा है कहां 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा उसको सिर्फ देख के आपको बता देना है कि कितना होगा। यहां पर क्या है कि यहां पर जो लिखा हुआ मैंने, यहां पर यह है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर यहां पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, किलोमीटर मीटर प्रति घंटा, और यहां पर यह है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे कैसे हैं कि यहाँ पे यदि आपको प्रश्न में ये दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, तो क्या करना है कि 18 के पहाड़े में 2 बार में 36 आता है तो इधर 5 के पहाड़े में 2 बार में क्या आएगा 10 आएगा, यही है। ठीक है, अभी यही लिया था हमने कि यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकेंड में कितना आएगा 10 आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड, सिंपल है। तो आपको केवल इतना देखना है कि यहां पे जो डाटा दिया हुआ है ये 18 के पहाड़े में कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, सपोज मैंने यहां पर ये लिख लिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकंड में, तो कितना आएगा, तो यहां पे 18 × 72 होता है 4 बार में, तो 5 × 6 कितना होगा 20 होगा, बस हो गया, कितना आया 20 आ गया, तो यहां पर लिख लेंगे क्या 20 मीटर प्रति सेकेंड, हुआ कंप्लीट। अब फिर यहां पर देखो, तो फिर यहां पे इसमें यहां पर बता दे रहा हूं या फिर इधर यहां पे देख लो, थोड़ा सा बारीक लिखना पड़ेगा। अब यहां पे मैंने ये लिखा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है, इसको बदलना है आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो देखो यहां पर कितना आएगा। तो आप यहां पर बोलोगे कि 18 × 5 = 90 होता है, ठीक है, 18 × 5 = 90 होता है तो 5 × 5 = 25 होगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने कितना आएगा 25 आएगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे सीधा फंडा है, बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पे, कि यहाँ पे 5 का जो पहाड़ा है ये सबको याद रहता है, छोटे बच्चों को भी याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 18 का पहाड़ा थोड़ा सा किसी किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है, तो 18 का पहाड़ा सही तरीके से याद कर लेना है इसको सिस्टमेटिक तरीके से। और यदि आपको 20 से 25 तक पहाड़ा यदि याद नहीं है तो फिर आप किसी भी प्रश्न को हल करोगे टाइम बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, इसलिए आपको पहाड़े कम से कम 20 या 25 तक आपको याद रखना है किसी भी हालत में। राइट, तभी जाके हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार होते हैं। राइट, बाकी अदरवाइज इसके अभाव में जिसको पहाड़े नहीं आते उसकी मैथ्स भी कमज़ोर होती है। ठीक है, जिसको पहाड़े नहीं पता है उसकी मैथ्स भी कैसी होती, कमज़ोर होती है, इसलिए पहाड़े को मजबूत करें और अपनी जो मैथ्स है उसका कैलकुलेशन को फास्ट करें। राइट, चलिए, तो ये यहाँ पर इतना समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे फिर आप ये बताओ कि यदि वहाँ पे प्रश्न में ये दिया है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 101 ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो फिर यहाँ पर इसको बदलने की जरूरत पड़ी मीटर प्रति सेकेंड में, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे 18 के पहाड़े में 180 कितनी बार में 10 बार में आता है, तो 5 के पहाड़े में 10 बार में क्या आएगा 50 आएगा, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड जा रही है। ठीक, इस तरीके से स्पेशली ये कहाँ पर काम आता है, जब कोई एक ट्रेन है किसी एक पुल को या फिर किसी एक व्यक्ति को पार करे, एक किसी खंभे को पार करे या किसी एक पेड़ को पार करे, तो उस टाइम वो जो गाड़ी है ट्रेन है वो उस खंभे को व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार कर लेगी या उसको पार करने में कितना समय लेगी, तो वो समय सेकेंड में आएगा। राइट, इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है। चलिए ये यहाँ पर लिख लें सबसे पहले, उसके बाद में फिर जाते हैं प्रश्न पे सीधे। अब प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आएंगे तो और भी डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाले जो प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं एकदम बेसिक प्रश्न हैं, जीरो लेवल के प्रश्न, ठीक है, हर कोई इसको कर सकता है। बस एक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से और धीरे धीरे हाई लेवल पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाले जो प्रश्न है इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें। यदि आपने ये पहले किया है इस टाइप का प्रश्न तो आप एक बार वीडियो को रोक कर आप खुद भी जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें बोला है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकेंड लेगी। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकेंड लेगी। तो यहाँ पर है बहुत सिंपल सा, लेकिन इसको भी बहुत सारे लोग गलत कर जाएंगे, ठीक है। गलती कहाँ पर होगी उसको भी देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर दिया क्या है, इसमें आपको स्पीड दी हुई, चाल दी हुई, ठीक है। स्पीड कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर आपको दी है 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टाइम कि वह 600 मीटर की दूरी कितने समय में पार कर लेगी। तो दूरी आपको दी हुई है, दूरी कितनी है, 600 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपको सभी को पता है, क्या है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको सबको पता है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर ये जो चाल आपको दी है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई, ठीक है, लेकिन आपको टाइम निकालना है सेकेंड में, तो क्या करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, एस की जगह रखो, यहाँ पे चाल, ये चाल की जगह रखो 36, और इधर की साइड यहाँ पे इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 करो, बराबर दूरी कितनी है, तो यहाँ पे दूरी ऊपर आएगी, तो दूरी कितनी है, 600 मीटर, और टाइम आपको क्या करना है, निकालना है, राइट, इस तरीके से। तो 18 × 36 होगा, और इधर 5 × 2 कितना होगा, 10 होगा, ठीक है, या इससे इसको काट लो 2 से, तो ये 300 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 5×30 आ जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो है, तो ये जीरो यहाँ पे लगा देना है, मतलब आपका जो टी बराबर कितना आया, ये 60 सेकेंड आया, कितना है, 60 सेकेंड में 600 मीटर की दूरी पार कर जाएगी, क्लियर है। अब इसके बाद इसी टाइप से ये वाला प्रश्न, दूसरा वाला आपको देखना है, और इसको आपको हल करना है, आपको खुद को हल करना है, ठीक है, वीडियो को रोक लेना है, हल करें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें, राइट। चलिए, तो यदि आपने कर लिया है तो वीडियो को चालू कर लें, फिर यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से ही करना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, ये। तो यहाँ पर चाल कितनी दी है, तो एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगी, ठीक है। अब दूरी किसमें है, मीटर में, तो समय आपको सेकेंड में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखें आगे, यहाँ पे स्पीड है, स्पीड कितना है आपको, इसकी चाल कितनी दी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें, तो इसको करना है 5/18 कर लो इसको, 5/18, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या रखेंगे, तो ऊपर यहाँ पे डी मतलब क्या है, दूरी, तो दूरी कितनी है, 2275, ठीक है, ये है। और उसके बाद समय हमें क्या करना है, निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से 18 × 18 = 90 होगा, ठीक है। अब इसके बाद 5×25 होगा, ठीक है, 5×25 या 5 से इसको काट लो, 5×5 और 5×20 आएगा, 2 बचेगा, यहाँ लगा दो, 5×25 27 में से 25 गया, 2 बचेगा, फिर यहाँ लगा दो, 25 हुआ, तो 25, ये 5×25, ठीक है, ये आ गया। अब ये 5 से फिर कट जाएगा, ये 5×5 = 45 और 5×5 कट गया, तो आपके पास कितना टाइम मिला, तो ये टी बराबर मिला आपको, T = 91 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से 2275 मीटर की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने सेकेंड में पार कर जाएगी, तो 91 सेकेंड में पार कर जाएगी, इतना क्लियर है। चलिए, तो अब यहाँ पे इसको लिख ले, उसके बाद दूसरे प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, दूसरे टाइप के, ताकि आपको हर टाइप यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाए, और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में अपनी बुक से प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है, क्लियर। चलिए लिखो इसको। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला वाला जो टाइप है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर, और ये वाला टाइप आपकी एग्जाम में, मतलब पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें इसको, क्योंकि आने वाले एक दो दिन के बाद में जो भी पेपर होने वाले हैं,
कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, उसमें इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना पूरी रहेगी। क्लियर है? चलिए देखें यहां पर क्या बोला है कि इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा या कितना समय लेगी। ठीक है, ये है। तो यहां पर ये ट्रेन है आपके सामने, यहां पर एक ट्रेन है ये वाली, और इधर एक विद्युत का खंभा है। ठीक है, अब ये ट्रेन यहां से गुजरेगी तो इस खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, ये टाइम आपको निकालना है। ठीक है, दिया हुआ क्या है, तो ट्रेन की स्पीड आपको दी हुई है कि इसकी स्पीड कितना है, इसकी चाल कितनी है। तो इसकी स्पीड बराबर, चाल बराबर है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया गया है। ठीक है, अब इस ट्रेन की लंबाई आपको दी है, लंबाई कितनी दी है, 160 मीटर। ठीक है, इतना सब कुछ आपको दिया हुआ है और निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक, सिंपल फंडा है कि आपको यहां पर यह देखना है कि जो टाइम आएगा ना, एक खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, सेकंड में जाएगा ना, टाइम तो सेकंड में आएगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्पीड को चेंज करना पड़ेगा आपको। स्पीड को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे 72, ये 72 जो लिखा है 72, इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 आपको करना पड़ेगा और मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से 18 × 72 होगा और 5 × 20 होगा, मतलब यहां पे कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड रहेगी स्पीड। राइट, तो अब यहां पे देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस कितना है, 20 है, तो यहां पे 20 रखो, और दूरी कितनी है, तो दूरी क्या है, दूरी की जगह लंबाई आएगी, तो लंबाई कितनी है, 160 मीटर। ठीक है, जब भी दूरी की बात करें, दूरी आपको नहीं दी है, तो ट्रेन की लंबाई दी है, वही क्या है, दूरी ही। क्लियर है इस तरीके से। और फिर यहां पर क्या करें, बटे में टाइम है तो टाइम आपको निकालना है, तो टी रख लो यहां पे। अब 10 से 10 काट लो, और 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 आएगा, मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो टी बराबर आपको मिलेगा 8 सेकेंड, कितने, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में इस खंबे को एक ट्रेन पार कर जाएगी, कितने स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। राइट, चलिए, तो ये यहां पर पहला वाला कंप्लीट हुआ। तो ठीक वैसे ही ये वाला करना है, लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको ये नहीं बताना है कि कितने टाइम में पार करेगी, इसमें आपको बताना है कि गति कितनी होगी ट्रेन की। यहां पे ट्रेन की स्पीड दी हुई है, यहां पे ट्रेन की स्पीड निकालना है। क्लियर है, चलिए देखो यहां पे क्या बोला है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक व्यक्ति को, अब यहां पे क्या है कि एक व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो यहां पे ये वाली ट्रेन है, इधर व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब ये ट्रेन इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, 16 सेकंड में पार कर जाएगी। तो टी बराबर आपको कितना दिया, 16 सेकंड। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति होगी कितनी होगी। ठीक है, ट्रेन की गति आपको निकालना है, ट्रेन की स्पीड आपको निकालना है, मतलब चाल निकालना उसकी। ठीक है, स्पीड ये, तो ट्रेन की लंबाई आपको दी है, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 240 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहाँ पे 240 ये ट्रेन की लंबाई है। ठीक, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखें, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय बोलो, या स्पीड इसको डिस्टेंस बाय टाइम बोलो। ठीक है, तो स्पीड कितनी है आपकी, तो स्पीड तो आपको निकालना है, तो स्पीड की जगह स्पीड रहने दो ना, चाल। अब दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 240 मीटर, 240, और टाइम कितना ले रही है इसको पार करने में, तो 16 सेकंड का। तो यहाँ पे नीचे टाइम है, तो टाइम यहाँ पे रख लो ये। ठीक है, अब इसको काट लो, किससे, 4 से काट लो, 4 से 4 बार में 16 आएगा, और 4 × 6 = 24 आएगा, 10 को लिख लिया यहाँ पे। इससे इसको काटेंगे, तो 6 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, 2 बचेगा यहाँ पे, 4×5 = 20। इतना मीटर प्रति सेकेंड, इतना मीटर प्रति सेकेंड ये आपकी क्या आई, स्पीड आई, किसकी, ट्रेन की गति। राइट, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। इस बुक में जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है, ये पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और यहां पर स्पीड में मीटर प्रति सेकंड नहीं है, वहां पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर 15 × 18/5 कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 × 3 = 15 आ जाएगा, और 18 × 3 = 54 आ जाएगा, तो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा ये रहेगा आपकी स्पीड।
जो आपके प्रश्न पत्र में दी हुई रहेगी, राइट। अब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, राइट। फर्क यहाँ पे इतना है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा कंप्लीट। और सबसे पहले यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, राइट। चलिए इसको लिख लें, उसके बाद में दूसरे प्रश्न हम लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगले वाले प्रश्न हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ठीक पिछले वाले प्रश्न के जैसा है, लेकिन ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। समझें यहाँ पर क्या दिया है इसमें, तो एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यदि वह एक पेड़ को 10 सेकेंड में, कितने 10 सेकेंड में पार कर जाती है, पार कर ले तो गाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। गाड़ी की लंबाई निकालना है लेकिन किस में, मीटर में निकालना है, ठीक है। चलिए तो फिर से यहाँ पे लगाएं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सीधे लगा देना है, ठीक है। अब स्पीड कितनी है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे लिखो 90 और किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमें निकालना है किसमें, मीटर में निकालना है, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो 5/18 करना है, ठीक है। ये है मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दूरी कितनी है, तो दूरी आपको पता है क्या, दूरी आपको पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, तो ट्रेन की लंबाई हमें निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कि दूरी कितनी है x से, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है x से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दूरी बोलो या फिर ट्रेन की लंबाई बोलो, दोनों बराबर होती है, तो ये है x, ठीक। अब टाइम कितना है, तो टाइम आपको दिया हुआ है कि एक पेड़ को पार करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी, 10 सेकेंड का लेगी, तो यहाँ पर रख देना है 10 सेकेंड, क्लियर रहता। अब यहाँ से 18 × 5 = 90 होगा और 5×5 = 25 होगा, कितना होगा 25, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका गुणा करने पर 25 आया, वो ये 10 का गुणा किस में होगा, 25 में होगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 250 मीटर। इस तरीके से यहाँ पे ट्रेन की लंबाई बहुत आसानी से और शॉर्टकट में निकल आई, क्लियर रहता। अब इसके बाद में इधर की साइड हम इस प्रश्न को हल कर देंगे, क्योंकि हमें हमारे पास इधर जगह है। अब दूसरा अगला वाला जो प्रश्न है ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको पढ़ लें, और प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ये वाला इससे अलग है, ठीक। अब देखो यहां पे क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर, स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ट्रेन 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड ये एक बच्चे की स्पीड है, एक बच्चा दौड़ते हुए इतनी गति से जा रहा है, ठीक है। ये है, तो अब यहाँ पे हम क्या करें, फिर से वही करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड आपके पास 2 है, मतलब यहाँ पे समझें तो इधर की साइड एक ट्रेन है और उसी दिशा में जाने वाला एक लड़का है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये जा रहा है, कौन, लड़का, लड़का। और ये ट्रेन है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई, तो ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करें, जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब दो ट्रेन एक साथ में आगे बढ़े या फिर एक ट्रेन जा रही है, कोई एक व्यक्ति दौड़ के जा रहा है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जब एक ही दिशा में जाए तो उनकी जो स्पीड होती है इनको आपस में माइनस कर देते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इनकी जो हमें स्पीड यहाँ पर लेना है वो चाल कितना लेना है, ये है 10 20 - 10 कर देना है, कितना 20 - 10, मतलब कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये यहाँ पर हमें रखना है, क्लियर है। चले और रखो यहाँ पे स्पीड कितना है 10, और इधर की साइड दूरी कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, तो 180 मीटर, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 180 यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई, तो इसको यहाँ पे रख लो 180 को, और टाइम क्या करना है आपको, तो टाइम आपको निकालना है कि कितने समय में वो ट्रेन उस बच्चे को पार कर लेगी, ठीक है। तो टी आपको निकालना है, 10 से 10 काट लो, तो T बराबर कितना जाएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि T का गुणा इधर होगा, तो T बराबर कितना मिलेगा आपको 18 मिलेगा, ठीक है। तो 18 सेकेंड में वो ट्रेन इसको पार कर लेगी, क्लियर रहता। चलिए तो ये वाले दोनों प्रश्न कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ तक आपको इतना क्लियर हुआ है
कि इस टाइप के प्रश्न यदि आए तो कैसे करना है। एक दिशा में जाए तो स्पीड को घटा लेना है, विपरीत दिशा में आए तो स्पीड को जोड़ लेना है, बस करना यही काम है। ठीक है, तो इनका यहाँ पे एक दिशा में जा रही, घटा के हमने 10 कर लिया। यदि ये इस आमने सामने से आती तो फिर इसको जोड़ लेते और ये यहाँ पे 20 और 10 कितना होगा 30 हो जाता। क्लियर रहता? चलिए इसको सबसे पहले लिख ले, उसके बाद में इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न यहाँ पर हम हल करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगले दो प्रश्न है और ये वाली जो क्लास है इसका लास्ट प्रश्न है ये वाला। ठीक है, उसके बाद में जो भी पढ़ेंगे वो अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म होगा इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद में। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसमें क्या बोला है, क्या निकालना है, क्या दिया है, ये थोड़ा सा पढ़ लें एक बार। तो यहाँ पर बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को, तो यहाँ पे देखो कहानी क्या है कि ये ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन। अब ये ट्रेन इधर की साइड जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ठीक है, अब फिर बोला है कि गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समानांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये वाला ये व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति दौड़ रहा है किधर, इसी पटरी के समानांतर। ठीक है, पटरी के समानांतर दौड़ रहा है और गाड़ी भी उधर ही जा रही है। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको ये जो ट्रेन है ये कितने टाइम में पार करेगी, तो टी बराबर 7 सेकेंड में ये पार कर लेगी। ठीक है, ये जो ट्रेन है ये वाली, ये ट्रेन इस व्यक्ति को 7 सेकेंड में पार कर लेगी। राइट, इस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से यदि देखें तो इस प्रश्न में कमी क्या है, कमी कुछ है इसमें। ठीक है, अब कमी क्या है ये देखें, तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड तो आपको दी हुई है, लेकिन ये जो व्यक्ति दौड़ के इधर जा रहा है ये वाला, इसकी स्पीड आपको दी हुई नहीं है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड दी है, इसकी स्पीड नहीं दी है, और आपको ये बोला है कि आप ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। जब एक ही प्रश्न में दो चीजें अनुपस्थित हो तो उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, वो प्रश्न हल नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पे इस टाइप का प्रश्न आए तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा डी वाला ऑप्शन, वो रहेगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है, या फिर आंकड़े अनुपस्थित, इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न कभी भी कोई भी प्रश्न आए आंख बंद करके उसको थोड़ा सा पढ़ लिया उसके बाद में हल करना स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि उसमें दिया क्या है, हमें इसको हल करने के लिए जरूरत किसकी किसकी है। तो यहाँ पे हम s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड तो आपको दी हुई है लेकिन ये भी दौड़ रहा है तो इसकी स्पीड भी होगी। ठीक है, अब इसकी स्पीड आपको दी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर नहीं वाला होगा, क्यों, क्योंकि एक तो इसकी स्पीड दी हुई नहीं है, एक लंबाई भी दी हुई नहीं है ट्रेन की, क्योंकि लंबाई तो ज्ञात करना है। राइट, तो इस तरीके से प्रश्न को ध्यान रखें। यहाँ पे ये प्रश्न लिया मैंने इसलिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। क्लियर है? चलिए तो अगला वाला प्रश्न आ जाए यहाँ पर। ये प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में, क्या बोला है इसमें, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात करें, ट्रेन की स्पीड ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर सही है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ये जो ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख लेना एक बार, हटा दे रहा हूँ इसको यहाँ से ताकि हम ऊपर इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से हटाएं और ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न इसको यहाँ पे हल करेंगे हम। यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेन यही है, ठीक है, ये ट्रेन है ये वाली, तो अब यहाँ पे जो ट्रेन है ये वाली जो इस प्रश्न में दिया हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई 110 है। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर ले लो 110 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, तो स्पीड आपको यहाँ पर दी हुई है कितनी, इसकी स्पीड नहीं दी हुई, इसकी स्पीड निकालना है आपको। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है कि उसी दिशा में, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, मतलब ट्रेन इधर की साइड जा रही दौड़ के, तो एक व्यक्ति इसके सामने से दौड़ के इधर की साइड आ रहा है विपरीत दिशा में। ठीक है, और उस वो विपरीत दिशा में जो आ रहा है उसकी इस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड आपको दी हुई है कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर
ठीक है, ये है। तो इस व्यक्ति को यह ट्रेन कितने टाइम में पार करेगी, तो 6 सेकेंड में पार कर लेगी। आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम यहां पे आपको दिया हुआ है कितना, 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड इसमें यह आपको पार कर लेगी। तो अब यहां पे देखो, एक प्रश्न को हल करने के लिए यहां पे तीन चीजें, चार चीजें टोटल होती है, उसमें से तीन आपको दी हुई है, तो एक आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। तो चाल कितनी होगी, तो इसकी यहां पर इसकी किसकी रेलगाड़ी की स्पीड हमें नहीं दी है, तो हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। और यहां पे ये वाला जो 6 है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो इसको और इसको क्या कर देना, जोड़ देना, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा से ये आ रहे हैं, ट्रेन भी इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, आमने सामने गति हो रही है। तो आमने सामने जब भी ट्रेन आए या फिर कोई व्यक्ति आए, तो उसका जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहां पर स्पीड को जोड़ देना है, एक्स प्लस कितना होगा, 6 होगा, एक्स प्लस 6 होगा, ठीक है, ये होगा। और फिर यहां पर दूरी कितनी है, तो दूरी लंबाई कितनी है इसकी, 110 मीटर। टाइम कितना है, तो टाइम कितना है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब देखो यहां पर ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन यहां पर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकेंड है, बराबर तो होगा नहीं, तो क्या करना है, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, यहां पर 18/5 करना पड़ेगा, यानी 5/18 करना पड़ेगा, ठीक है, 5/18। अब 5/18 करने से मीटर प्रति सेकेंड में ये स्पीड हो गई, क्लियर है इतना। अब 6 से इसको काट लो, तो 6 कम 6, 6 + 18 होगा, ठीक है। 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5 और 5 × 2 = 10, फिर 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 5 × 2 = 22 आया, इतना क्लियर है। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से इसको ये बटे में 1/3 है, यहाँ पे 3 का उधर ले जाके गुणा कर देंगे, तो एक्स प्लस 6 बराबर 22 या कितना होगा, 64 होगा, 66 होगा, ठीक है। तो 3 का 22 में गुणा कर दो, तो 66 आया। और अब इसके बाद में ये जो 6 है इसको उधर ट्रांसफर करो, तो x बराबर आएगा, उधर जाएगा माइनस में, तो 66 - 6 मतलब यहाँ पे आपकी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी आई, 64 में 6 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 60 मीटर प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड। ये स्पीड किसकी है, तो ये ट्रेन की गति है, ठीक है, ट्रेन की गति ये निकल आई, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है इस टाइप के सवाल, और आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास है इसको यहाँ पर एंड करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।